क्योंकि पहले डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस होगा, तो इसका आंसर फाइनल हमारे पास 8 आएगा। लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजन टाइप है, तो कोडिंग के लिए इसको थोड़ा हार्डर होगा नो करने के लिए कि पहला परफॉर्म एक्शन कौन सा करना है। बिल्कुल कोडिंग में लैंग्वेजेस में इनको पता होता है, कोडिंग लैंग्वेज को पता होता है कि यहाँ पे बोर्डमास रूल यूज होगा, हर चीज पता होती है, लेकिन हम कोड को ईजी करने के लिए स्मॉल ब्रैकेट्स का यूज करते हैं ताकि हमें पढ़ते सार देखते सार ही उसकी कंडीशन में समझ आ जाए कि वो किस तरीके से ऑपरेट इसके ऊपर करेगा। अगर ये यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे एक सवाल उठता है कि सर यहाँ पे ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट ये भी है, तो यहाँ पे ये दोनों कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या होगा। तो अगर ये दोनों पैरेलल भी ऑपरेशन करते हैं तो इससे कोड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 to the 10 आ जाएगा, 5 10 से डिवाइड, 10 5 से डिवाइड करेगा तो 2 आ जाएगा, 10 - 8 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 10 में से -2 होंगे तो हमारे पास आंसर 8 आ जाएगा। तो अगर इस कोड को अगर आप देखें तो इस कोड को देखें, अगर आप इन दोनों कोड को कंपेयर करें तो आपके नजदीक सबसे इजी टू रीड कौन सा कोड है? मेरे हिसाब से तो ये सेकंड वाला कोड इजी टू रीड है, ताकि इसे हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं और इजीली पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब इस कोड को हमने रन करके देखते हैं कि हमारे कोड का इसका आउटपुट क्या आता है। ठीक है, हम यहाँ पे इसको अपने जुपिटर नोटबुक में पेस्ट करेंगे, रन करेंगे। अब हमारे पास 8.0 आया क्योंकि हमारे पास 5 to the 10, उसके बाद 10 में से -2 करेंगे तो हमारे पास 8 आंसर आएगा। ठीक है, अब इसका हम एक चैलेंज देख लेते हैं। चैलेंज हमारे पास क्या है, सपोज यू आर अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एंड यू नीड टू पे $1536 एज अ ट्यूशन फी। हमें $1536 फी पे करनी है एज अ ट्यूशन, जबकि कॉलेज हमें ऑफर कर रहा है 10% डिस्काउंट अगर हम अर्ली पेमेंट करते हैं, अर्ली बर्थडे 10% डिस्काउंट। हाउ मच मनी डू यू हैव टू पे इफ यू टेक द अर्ली पेमेंट? अगर आप अर्ली पेमेंट करते हैं तो आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट इस डिस्काउंट के हिसाब से कितने पैसे पे करने होंगे 1536 के बदले में। तो हमें पहले क्या करना है, क्रिएट अ वेरिएबल नेम फी। हमें क्या करनी है यहाँ पे, वेरिएबल नेम क्या करना है यहाँ पे, फी का नेम असाइन करना है। किसमें, उसमें क्या स्टोर करना है हमें, 1536। तो ये मैंने कोड आपको किया तो एक ही लाइन पढ़ते जाता हूँ तो आपको कोड समझाता जाऊँगा। ठीक है, हमें पहले सबसे क्या करना है, हमें फी वेरिएबल क्रिएट करना है। उसके बाद सेकंड लाइन में क्या बोल रहा है, क्रिएट अनदर वेरिएबल डिस्काउंट परसेंट। हमें क्या करना है, डिस्काउंट परसेंट का वेरिएबल असाइन क्लियर करना है और उसमें असाइन हमें क्या करना है, 10। क्या असाइन करना है, 10। अगर हम अपने कोड की तरफ देखें, हमने क्या किया, डिस्काउंट परसेंट हमने कितना किया, 10। उसके बाद कंप्यूट डिस्काउंट बाय यूजिंग फार्मूला डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई फी एंड असाइन इट टू डिस्काउंट वेरिएबल। हमें डिस्काउंट परसेंट फाइंड करना है, यहाँ से हमें डिस्काउंट परसेंट मिला होगा जो 2 पे 10 है, इसलिए हमें डिवाइड करेंगे 100 से, मल्टीप्लाई करेंगे 1536 से, तो हमें जो भी वेरिएबल आएगी, वैल्यू आएगी, वो डिस्काउंट वेरिएबल में सेव हो जाएगी, जो कि हमारा यहाँ पे डिस्काउंट वेरिएबल लिखा हुआ है। इसमें ये वाला फार्मूला है, इस फार्मूले पर जो भी आएगा वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमें टोटल फी जो कि डिस्काउंट में होगी वो हमें मिल जाएगी कि हमने कितनी फी पेमेंट करनी है। तो हम इस कोड को कॉपी करते हैं, अपने जुपिटर नोटबुक में हम पेस्ट करते हैं, हम इसे कॉपी करेंगे, ठीक है। अब हम इसे रन करते हैं, हमें कितनी फी पे करनी है, 1386। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा और अच्छा करने के लिए हम ये भी लिख सकते हैं, द टोटल फी आफ्टर डिस्काउंट इज इक्वल। ठीक है, यहाँ पे हम कामा से सेपरेट करेंगे तो हमें जो इसका फाइनल आंसर होगा वो हमें टोटल फी आफ्टर डिस्काउंट इज 1382। ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है, पहले वाला भी कोड का आउटपुट हमारा सही था लेकिन थोड़ा ये
अच्छा इथिकल वे में नजर आ रहा है कि हमें ये आंसर पता लग रहा है कि हमारा आंसर क्या है। तो उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आएगा। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसको और कंटिन्यू करेंगे और इनके साथ साथ मैं डिफरेंट टास्क के ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें हमने आज तक जो पढ़ा है उसको हम अपग्रेड करके उसको यूज करके हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि हर आने वाली अपडेट आप तक पहुंचती रहे। लिंक्डइन, व्हाट्सएप, ईमेल, जिस पे भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहें कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।